नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 मई दिन शनिवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जातीय गणना पर सुशील मोदी ने कही ये बात। विपक्षी दलों के बैठक को लेकर बिहार सरकार में मंत्री संजय कुमार झा ने कही ये बात। स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। भाजपा में अब अधिक उम्र वाले नेताओं की बड़ी मुश्किलें। अशोक गहलोत ने कांग्रेस पर लगे जयपुर ब्लास्ट मामले के आरोप को लेकर कही ये बात। अब चलिए बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। जातीय गणना पर सुशील मोदी ने कही ये बात। राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव के शासन पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा है कि जब लालू प्रसाद बिहार में 15 साल सत्ते में थे, तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई गई? वे भूल जाते हैं कि 6 जून 2022 को जातिगत जनगणना का फैसला एनडीए सरकार का था, जिसमें बीजेपी शामिल थी। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि 15 साल के पति पत्नी के शासन में ही नहीं, आज राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल सहित आधा दर्जन राज्यों में जातिगत जनगणना क्यों नहीं की गई, जहां गैर भाजपा सरकारी सत्ता में है। ममता बनर्जी ने वीवी को दी कड़ी चेतावनी। विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को बेदखल करने के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी चेतावनी दी है। दरअसल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वह वीवी के इस कदम को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगी। आगे उन्होंने यह भी कहा कि अगर वीवी के अधिकारियों ने सेन के घर को छुआ तो ठीक नहीं होगा। बता दें कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा बेदखली का नोटिस भेजा गया था। दरअसल उन पर आरोप है कि उन्होंने शांति निकेतन परिसर में 1.38 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है, जो कि 1.25 एकड़ के कानूनी अधिकार से अधिक है। इसे लेकर उन्हें 13 डेसिमल जमीन भी अपने शांति निकेतन निवास पर 6 मई तक खाली करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा फिलहाल इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय के निष्कासन नोटिस पर स्टे लगा दिया गया है। बता दें कि अब 10 मई को निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई की जाएगी। विपक्षी दलों के बैठक को लेकर बिहार सरकार में मंत्री संजय कुमार झा ने कही ये बात। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में जल्द ही विपक्षी दलों के मोर्चे बंदी को लेकर अहम बैठक होने वाली है। दरअसल नीतीश कुमार में मंत्री संजय कुमार झा द्वारा मीडिया से बातचीत के दौरान कहा गया कि देश भर के विपक्षी पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है। जल्द ही विपक्षी पार्टियों के नेता बिहार में साथ बैठकर मुलाकात करेंगे। आगे उन्होंने यह कहा कि विपक्षी एकजुटता को साकार रूप देने के लिए सीएम नीतीश कुमार का प्रयास सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश के सभी विपक्षी दलों के नेताओं से लगातार हमारी बात हो रही है। सभी दलों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है। कांग्रेस ने किया दावा, भाजपा कर रही मल्लिकार्जुन खड़गे को मारने की साजिश। बीजेपी पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को मारने के फिराक में है। बता दें कांग्रेस नेता द्वारा यह आरोप बीजेपी के उम्मीदवार मणिकांत राठौर पर लगाई गई है, जहां उन्होंने कहा है कि मणिकांत राठौर ने खड़गे के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें व उनके परिवार को खत्म करने की बात करते हुए सुना जा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री खामोश रहेंगे और कर्नाटक पुलिस और भारत का चुनाव आयोग भी, लेकिन कर्नाटक के लोग चुप नहीं रहेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। शिक्षक भर्ती के नई नियमावली पर माले विधायक ने नीतीश सरकार का किया घेराव। शिक्षक भर्ती में नई नियमावली को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। बता दें कि नई शिक्षा नियमावली और बीपीएससी से होने वाले शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर शिक्षकों का पटना के आईएमए हॉल में महासम्मेलन का आयोजन हुआ। अब इस मामले पर माले विधायक का बयान भी सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि इस नियमावली से नए बहाल शिक्षकों को तो फायदा होगा, लेकिन पुराने बहाल शिक्षकों को कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा है। वहीं शिक्षकों द्वारा आयोजित हुए इस महासम्मेलन लेफ्ट विधायक संदीप सौरभ और महबूब आलम ने नीतीश सरकार का जमकर घेराव किया और कहा कि हम सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि जो नियमावली लाई गई है उसके अंदर विरोध क्या है उसको लेकर सरकार को हम सुझाव दे रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी तरह का कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। जिस क्वालिटी एजुकेशन का सरकार दावा कर रही है वह सिर्फ लिफाफेबाजी है, अंदर से कुछ नहीं। स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। हमेशा चुनावी मौसम में राजनीतिक दल वोट के लिए कोई न कोई मुद्दे उठाते रहते हैं। इन दिनों धर्म की राजनीति सर चढ़ के बोल रहा, जहां धर्म के नाम पर बजरंग बली और बजरंग दल को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। धर्म की राजनीति के इसी कड़ी में अब स्मृति ईरानी का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि मैंने प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी में नमाज पढ़ते देखा है। आगे उन्होंने कहा कि जो इस्लाम में आस्था रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं करते। शायद इसलिए कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने राम मंदिर का निर्माण नहीं दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने डबल इंजन की सरकार को बताया फेल।
मणिपुर में हुई हिंसा का हवाला देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम की तरफ से बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि कर्नाटक के मतदाताओं को डबल इंजन की सरकार के झूठे वादों से सावधान रहना चाहिए। बता दें कि ट्विटर के जरिए उन्होंने कहा कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार के परिणामों को देखिए, दोनों इंजन फेल हो गए हैं। आंतरिक कलह से राज्य सरकार टूट चुकी है। केंद्र सरकार के पास सभी मुद्दों के लिए खुशफहमी फैलाने वाले उपाय मौजूद है। आगे उन्होंने दावा करते हुए कहा कि नतीजा यह है कि मोइती और आदिवासी समुदायों के बीच खाई चौड़ी हो गई है। कांग्रेस की सरकार के दौरान शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की राह पर थे, वे अब युद्ध के रास्ते पर हैं। अपने चुनावी रैली में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर कसा तंज। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपने पहले चुनावी रैली को बहुजन समाज पार्टी की मायावती द्वारा संबोधित किया गया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया, जहां उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कई दलों की सरकारें बनी लेकिन इन लोगों का विकास नहीं हो सका। आगे उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोगों को इन पार्टियों को और आजमाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने की जरूरत है। वहीं प्राइवेट सेक्टर की बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था के बगैर ही राज्य और केंद्र सरकार की सरकारों में ज्यादातर काम प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी की सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों को मंडल कमीशन के तहत आरक्षण की व्यवस्था जो दी जानी चाहिए थी वो कांग्रेस की सरकारों में नहीं मिली। अतीक अहमद खान को लेकर पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कह दी ये बात। बिहार की राजधानी पटना में आ रहे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सियासत गरमाया हुआ है। पक्ष विपक्ष इस मामले को लेकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अब इसी कड़ी में भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने पहुंच चुके हैं। इसी कड़ी में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, अभी कुछ दिन पहले ही प्रयागराज में कांड हो चुका है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा न हो कि कोई दंगाई आ जाए और यहां भी अतीक वाला कांड हो जाए। इतना कहते ही उन्होंने पत्रकारों से आगे कहा कि इतना भी टेंशन नहीं लेना है। अपनी बातों को आगे रखते हुए केंद्रीय मंत्री ने नीतीश सरकार को घेरते हुए धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर कहा कि आयोजन पटना के गांधी मैदान में होना था लेकिन ये तुष्टिकरण करने वाली सरकार ने इजाजत नहीं दी। धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन पर हो रहे बयानबाजी को चिराग पासवान ने बताया गलत। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन को लेकर चिराग पासवान का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि यह बात समझ नहीं आता कि सरकार को ज्वलंत समस्याएं दिखती हैं कि नहीं, या ये लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। बार बार लोगों की आस्था का मजाक उड़ाना और उस पर बयानबाजी करना, मैं तो कई बार कह चुका हूं कि यह व्यक्तिगत आस्था का विषय है। आगे उन्होंने कहा कि कौन किस चीज में आस्था रखता है, कोई तीसरा व्यक्ति उसको निर्धारित करने वाला कोई नहीं हो सकता। मेरी आस्था जिसमें होगी यह जरूरी नहीं कि आपकी भी उसी में होगी, यह व्यक्तिगत विश्वास का विषय है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन पर हो रहे बयानबाजी को गलत बताते हुए चिराग ने कहा कि कौन से बाबा आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे ये छोड़ दीजिए, लोग देखेंगे और समझेंगे, ये लोगों के ऊपर है। सरकार हस्तक्षेप करने लगती है तो ये दर्शाता है कि सरकार ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रही है जो सरासर गलत है। भाजपा में अधिक उम्र वाले नेताओं की बढ़ी मुश्किलें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर साफ कर दिया है कि 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को टिकट मिलना अब आसान नहीं होगा। दरअसल अपने जन्मदिन के अवसर पर किसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 75 साल के बाद संन्यास आश्रम शुरू हो जाता है, इसलिए उनका घर में रहना वर्जित होता है। आगे उन्होंने कहा कि जहां तक भाजपा में राजनीति की बात है तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिमिट लगा दी है और कहा है कि 75 साल के बाद राजनीति बंद कर देनी चाहिए। ऐसे में अब अधिक उम्र वाले नेताओं व वैसे नेता जिनकी उम्र अधिक है और वे बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे थे, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने दिया बयान, कहा बीजेपी ही बीजेपी को हरा सकती है। पिछले कुछ दिनों ने मध्य प्रदेश की सियासत में दीपक जोशी और सत्यनारायण सत्तन ये दो नाम लोगों के बीच चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल अपनी पार्टी से बगावत के सुर खड़े करते हुए दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और सत्यनारायण सत्तन पार्टी से नाराज चल रहे हैं। अब इस मामले को देखते हुए कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि संगठन में कुछ गलतियां हैं, इसलिए संगठन की गलतियां ठीक नहीं की तो बीजेपी ही बीजेपी को हरा सकती है। कांग्रेस में इतना दम नहीं कि वो भाजपा को हरा दे, इसलिए हम संगठन की उन गलतियों को ठीक करने की कोशिश में जुटे हैं। अपने चुनावी रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे प्रचार प्रसार का अब अंतिम दौर चल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अब इसमें जोरों शोरों से लगी हुई हैं। वहीं नरेंद्र मोदी ने भी अपनी पार्टी के कैंपेन की कमान संभाल ली है। इस चुनाव को लेकर कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा रोड शो पर निकले। यह रोड शो लगभग 36 किलोमीटर का रोड शो था जिसे दो भागों में बांटा गया। बता दें कि प्रधानमंत्री का यह दौरा 3 दिनों का था। मिली जानकारी के अनुसार अब यह मेगा रोड शो कल भी होगा जो कि 10 किलोमीटर तक का होने वाला है। 3 दिनों के इस दौरे में नरेंद्र मोदी द्वारा कल भी बेल्लारी में एक चुनावी जनसभा को आयोजित किया गया था। अपने जनसभा के दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा गया था कि ये पार्टी समाज को तहस नहस करने वाली आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी नजर आ रही है। वहीं चुनावी प्रचार प्रसार के अंतिम दौरे में राहुल गांधी भी बैंगलोर में 7 मई को रोड शो आयोजित करने वाले हैं।
अशोक गहलोत ने कांग्रेस पर लगे जयपुर ब्लास्ट मामले के आरोप को लेकर कही ये बात। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण करने अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी की तरफ से जयपुर ब्लास्ट मामले में कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों को लेकर कहा कि यदि पीएम ऐसा बोलते हैं तो समझ सकते हैं कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। इस मामले को लेकर आगे उन्होंने कहा कि इनकी सरकार के कार्यकाल में सीरियल ब्लास्ट हुआ, इनके शासन में ही जांच हुई। हमारी सरकार ने आतंकियों को सजा दिलवाई। अगर हाईकोर्ट ने टेक्निकल कारणों से छोड़ दिया है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऐसे संवेदनशील मामलों में अगर पीएम कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। उनके इस बयान से उल्टा लोग भ्रमित होंगे। वहीं कर्नाटक चुनाव की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भी हमारी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी को रैलियों में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा। मणिपुर हिंसा में फंसे बिहारियों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश ने जताई चिंता। मणिपुर में इन दिनों हिंसा की खबर सामने आ रही है। अब इस मामले में वहां रहने वाले बिहारियों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिंता जताई है। दरअसल उन्होंने कहा है कि मणिपुर में रह रहे बिहार के ऐसे लोग जो वापस बिहार आना चाहते हैं, उन्हें वापस लाने की तैयारी की जाए ताकि वे सुरक्षित बिहार आ सके। इस मामले को लेकर उन्होंने मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को मणिपुर के मुख्य सचिव से बात करने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि मणिपुर में मैतेई आरक्षण विवाद को लेकर हिंसा भड़क गया है। हालांकि यह खबर सामने आ रही है कि सभी स्थिति काबू में है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य के 8 स्थानों में कर्फ्यू लगाए गए हैं और असम राइफल्स के टुकड़ी को तैनात किया जा चुका है। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है अनवर करीम खान, रविशंकर, अमन, मोहम्मद सखीर हुसैन, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, अली रेहान, सुरुचि कुमारी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन पर हो रहे राजनीतिक बयानबाजी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।